Just call. Everyone, Myre. Call. Oi. मायरे लड़की लेकर आ जाओ मायरे बड़ा तो दीमापुर में एक बड़ी ही क्रेजी रात के बाद मैं अगले दिन निकल जाता हूँ किसामा गांव की तरफ। अब ये गांव नागालैंड की कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बड़ा ही छोटा सा गांव है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो हॉर्नबिल का देख सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में हॉर्नबिल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर ये वीडियो इट्स मोर अबाउट माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरा रॉ एक्सपीरियंस है। इसमें मैं यहाँ पे कहाँ पे रुकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कितने कॉन्सर्ट्स अटेंड करता हूँ, कितने दोस्त बनाता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय इट एंड वेलकम टू माई लाइफ। आई एम बाबा बनी एंड दिस इज माई नागालैंड सीरीज जो बहुत ज़्यादा क्रेज होने वाली है। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अरे ले लो फ्री में दे रहा हूँ। उन्होंने उठाया कैंप साइट पे एंड उन्होंने हमारे लिए एक ऑटो बुक कर दिया, तो हम जा रहे हैं बस स्टैंड दीमापुर के। हमारा प्लान था कि हम लिफ्ट लेके जाएंगे, बट तो बस स्टैंड जा रहे हैं तो चलो चेक कर लेंगे बस के रेट्स क्या है, उसके बाद फिर डिसाइड भैया। जैसे जैसे नागालैंड में हम पहुंच गए, जैसे जैसे हमारा डेस्टिनेशन पास आ रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कोहिमा जाने के लिए। एंड कल्चर तो क्रेजी है वहाँ का, ये तो पता सुनने में ही है। एक और इंसेंट नॉलेज ये मिलेगी, टोटल 18 ट्राइब है और नागालैंड में, और 18 ट्राइब्स में से इस बार सिर्फ 8 ट्राइब आ रही है। बाकी 8 के अपने पर्सनल रीजन है कि दे नीड देयर ओन स्पेस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, बट इस बार 8 ही ट्राइब आ रही है। 10 दिन का फेस्टिवल होने वाला है। अब जैसे जैसे जाएंगे आपको दिखाते रहूँगा मैं आगे भी क्या क्या होने वाला है। राइट नाउ हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम हमारा टेंट सेटअप कर सकते हैं, तो ऑफिशियल से बातचीत करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जगह। कुछ शॉट्स लिए, एक बार टेंट लगा दे, फिर कम्प्लीटली सिर्फ रिकॉर्ड करने जाएंगे अच्छे से। तो मैं जैसे ही किसामा पहुँचा, मैंने ये देखा कि हर बार की तरह इस बार भी हॉर्नबिल इंटरनेशनल फेस्टिवल में हज़ारों लोग आए हैं। तो किसामा में नीचे गाँव में तो मैं टेंट लगाने वाला नहीं था, मैं ऊपर की तरफ बढ़ जाता हूँ एक ऐसा कैंपिंग स्पॉट ढूंढने के लिए जहाँ पे लोग थोड़े कम हो और कुदरत थोड़ी ज़्यादा, और मुझे मिलती है ये जगह। तो मैं बस ठान लेता हूँ कि मैं यहीं पे कैंप लगाऊंगा। ये एक ऐसा छोटा सा हट है जो अबेंडन है, इसको किसी ने बना के बहुत सालों पहले छोड़ दिया होगा और यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो ये मेरा बसेरा है कुछ दिनों के लिए। तो उस दिन हॉर्नबिल क्या होता है मुझे इसकी पहली झलक दिखाई थी। कमिंग टू नागालैंड टू सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल। Yeah, made it to the front row. Ooh.
6:37 and we are calling it off. We had a great day. Abhi jaate hain tent ki taraf. Let's cook some food and let's come back tomorrow. Enjoy this beautiful evening. Good night, guys. This right here, my friends, is rice beer. This is local rice beer and they say it's quite strong, so let's give it a shot, why not? So cheers to life, cheers to freedom, cheers to that. It's good, it's good. Let's enjoy that. And we are not buying anything, it's like people are offering us. The hospitality here is so beautiful. And for some reason I feel at home. That's true. I don't feel at home at Maharashtra, but yeah, here I am. How's your experience, bro? It's very good to stay here. Actually, I also feel like this is my home, yeah. Great. Yeah, it's at home. Cheers to that. Here's another guy from Chennai? Yeah, Chennai. Yeah. Bangalore. It's a small world, they say. It sure is. So it's a good morning from this part of the world. Kal raat ko hum around 11 12 baje tak aaye the by the tent and humne cup noodles khaya kal and two cup noodles were enough and abhi baj rahe hai subah ke 10. It's quite cold. Raat mein bahut thandi lag rahi thi and this dude don't even have a jacket. And yeah, another thing is a tent, our stuff is all wet. It's all watery, but it's cool. Let's get some water, let's get the day going, let's kick it. We went down somewhere there, thoda pani wani bharne ke liye, and then hum wahan se paddy fields to jungle mein gaye chale gaye pura. और फिर हम वापस आए तो हमारे कपड़े सारे भरे हुए हैं विद या दीज थिंग्स फुल ऑफ इट. पर हम उसको आधे घंटे से निकाल रहे हैं, बट या इनएविटेबल. मोजे जूते सब, ओहो करते काम. This is chicken. Wow. It's nice. Pork. Only one. We'll share. I've not tried it, so I might just taste a little bit. Try it first. How is it? It's cool, yeah, nice taste, yeah. Alright, see, cheers to that. It's hard to chew. What? It's very hard. No. I'm calculating. It's cool, very good tasty. I like it. What is it again? Pork sausage. Pork sausage. It's my first time trying pork.
Oh, you want some? Very good, yeah. Take some. No, you wait. No, you take some. Come on, man. You like it. Bro. Yeah. You don't want, do you want to see me vomit here? It will be a disrespectful thing. We don't even have water. Ah, shit. Let's go! Another, an escape from view, surprising and confusing the enemy. The head. तो यहाँ ऊपर जिस झोपड़ी के अंदर मैंने अपना टेंट सेटअप करा था, रात को 2 बजे अचानक से 2 बंदे आते हैं और हमारे ऊपर टॉर्च मार के बोलते हैं कि दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट कैंप अराउंड हियर गाइस। तो मैं बोलता हूँ कि रात के 2 बजे दोस्त, हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और अगली सुबह हम इस जगह को छोड़ के एक दूसरी जगह चले जाते हैं। थोड़ा दुख होता है
लेकिन फॉर्चुनेटली हमें इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह मिलती है, और वो जगह है ये जहाँ से हमें लिटरली किसामा तक दिखता है। कला है और ये कला इट कम्स इन हैंडी जब आप लोग जंगल में रहते हो तो आई नो इट्स लाइक 90% ऑफ यू गाइस वोंट इवन मेक इट आउट बट यू कैन यू इफ यू वांट टू आई मीन इफ यू वांट समथिंग जस्ट गो आउट एंड ग्रैब इट रीच फॉर इट राइट बट खाना बनाना सीख लो बस बहुत कम आता Suhana safar, na koi fikar, giro bhi agar, yo Mamad, still here? Yeah. Don't go. Oh shit. Now? All ready to go? Okay bro. Let's see if we can meet. Yeah. Okay bro. Take care. Okay bro, let's walk. Cheers.